गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर टुडेज टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवेल्युएशन। मीन्स कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का क्या सिग्निफिकेंस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की अगर हम बात करें उसमें जो है वो सीसीई का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, मीन्स इसका क्या महत्व है, क्यों, क्या हमें बेनिफिट्स होते हैं सीसीई के थ्रू, अगर हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सीसीई के थ्रू स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करते हैं। सो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है इनफॉर्मल इवेल्युएशन। जो सीसीई है, कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूस इवेल्युएशन है, वो एक इनफॉर्मल टाइप का जो इवेल्युएशन है, क्योंकि इसमें हम स्टूडेंट्स की सिर्फ स्कॉलेस्टिक एरियाज को ही मेजर नहीं करते, इवेल्युएट नहीं करते, बल्कि जो पोस्टकॉलेस्टिक एरियाज हैं उसकी, उसकी सोशल बिहेवियर है, उसका इमोशनल आस्पेक्ट है उसकी पर्सनैलिटी का, या मॉरल आस्पेक्ट है उसकी पर्सनैलिटी का, इसके टाइप की उसकी जो स्किल्स हैं या उसके जो एप्टीट्यूड हैं, उसकी जो सोशल क्वालिटीज हैं, इनको मेजर करने के लिए इनफॉर्मल टेक्निक्स जो है वो उनकी हमें जरूरत पड़ती है। एक टीचर इनफॉर्मली स्टूडेंट का बिहेवियर क्लासरूम में कैसा है, अपने पीयर ग्रुप्स के साथ कैसा है, टीचर्स के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, या फिर जो एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जाती हैं उनके प्रति उसका जो नजरिया है वो कैसा है, इस टाइप से कुछ इनफॉर्मल टाइप में मींस उसको कहीं ना कहीं वो असेस करता है, एक टीचर इवेल्युएट करता है। पर इसकी जो अजम्पशन है, जो शर्त है इसकी, वो क्या है कि जो टीचर है जो इवेल्युएट करता है स्टूडेंट्स को, उस वो जो है वो स्टूडेंट को जानने वाला होना चाहिए। मीन्स अपने स्टूडेंट्स को जो टीचर जानता है अच्छे तरीके से, वही उनको इवेल्युएट कर सकता है कॉम्प्रिहेंसिवली। उसी टीचर को स्टूडेंट्स की जो एटीट्यूड है, या उसकी स्किल्स हैं, या उसकी हॉबीज हैं, या उसके इंटरेस्ट हैं, या उसका बिहेवियर है कितना मॉडिफाई हुआ है, ये वही टीचर असेस कर सकता है जो कि स्टूडेंट को, अपने स्टूडेंट्स को मीन्स अच्छे तरीके से जानता है। तो सीसीई का क्या सिग्निफिकेंस है, ये एक इनफॉर्मल टाइप का इवेल्युएशन है। इसमें हम इनफॉर्मली स्टूडेंट को जो पर्सनैलिटी के अदर आस्पेक्ट्स हैं, जो उसके नॉन स्कॉलेस्टिक एरियाज हैं, उनको इवेल्युएट करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन। हम उनको इवेल्युएट कर सकते हैं, मीन्स एक टीचर ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसके बिहेवियर को अच्छे तरीके से इवेल्युएट कर सकता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड मल्टीपल टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन। इसके थ्रू सीसीई में मीन्स हमें मल्टीपल टेक्निक्स मिलती हैं जिनके थ्रू हम स्टूडेंट्स को इवेल्युएट कर सकते हैं। जैसे अगर हमने उसके जो अचीवमेंट है उसकी, उसको इवेल्युएट करना है, या जो स्कॉलेस्टिक अचीवमेंट्स है उनको इवेल्युएट करना है, उसके लिए भी बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स हैं। जैसे हम उसका रिटन टेस्ट भी ले सकते हैं, रिटन टेस्ट में भी ऐसे टाइप टेस्ट ले सकते हैं, उसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन उसको दे सकते हैं, या मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन उसको दे सकते हैं, या फिर उसका ओरल टेस्ट भी हम ले सकते हैं कंटेंट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम भी ले सकते हैं, या असाइनमेंट या प्रोजेक्ट के बेसिस पे भी हमें हम उसे इवेल्युएट कर सकते हैं उसकी स्कॉलेस्टिक अचीवमेंट्स को। और अगर हमने उसकी नॉन स्कॉलेस्टिक अचीवमेंट को मीन्स असेस करना है, उसके लिए ऑब्जर्वेशन है, रेटिंग स्केल है, या फिर इंटरव्यू है, क्वेश्चनेयर्स हैं, ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मीन्स मल्टीपल टेक्निक्स हमें प्रोवाइड करता है सीसीई एक स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को, उसके पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट्स को इवेल्युएट करने के लिए। नेक्स्ट है रिमूव वीकनेसेस एंड डेफिशिएंसी ऑफ द स्टूडेंट्स। इसके थ्रू सीसीई के थ्रू, सीसीई का एक और क्या बेनिफिट है, क्या सिग्निफिकेंस है कि सीसीई के थ्रू एक स्टूडेंट अपनी जो उसकी वीकनेसेस हैं टीचिंग लर्निंग में जो उसकी वीकनेसेस हैं लर्निंग से रिलेटेड, या उसकी पर्सनैलिटी के अदर एस्पेक्ट हैं उनमें कहीं वो वीक है, तो उनसे रिलेटेड जो डेफिशिएंसी है या उसके बिहेवियर में कुछ, उनको वो इजीली रिमूव कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी प्रोग्रेस का पता चल जाता है, उसको अपने रिजल्ट का पता चल जाता है, उसको अपने सोशल बिहेवियर का या अदर एस्पेक्ट है उसकी पर्सनैलिटी के सबका उसको सीसीई के थ्रू, इवेल्युएशन के थ्रू पता चल जाता है, जिसके बेसिस पे वो फिर अपनी वीकनेसेस को या डेफिशिएंसीज को इजीली रिमूव कर सकता है। टीचर्स के गाइडेंस से या फिर पेरेंट्स के गाइडेंस से या सपोर्ट से वो इजीली अपनी डेफिशिएंसीज को रिमूव कर सकता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसके थ्रू हमें सीसीई के थ्रू, सीसीई जो है हमें क्या प्रोवाइड कर सकता है, एनालाइज प्रोवाइड, एनालिसिस हम इसके बेसिस पे कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन हम इसके बेसिस पे कर सकते हैं, जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है, जो स्टूडेंट का रिजल्ट है उसको एनालाइज भी कर सकते हैं, कि स्टूडेंट के किस एस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ है, उसके बिहेवियर में कितना मॉडिफिकेशन हुआ है, उसके इंटरेस्ट या उसका एप्टीट्यूड किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के कितना डिवेलप हुआ है, और उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको इंटरप्रेट भी कर सकते हैं, उसका जो रिजल्ट है उसको इंटरप्रेट भी हम एक टीचर इजीली कर सकता है, कि टीचर स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे उसकी जो पोजीशन है वो कौन सी है क्लास में, उसका रैंक जो है वो क्या है
क्लासरूम में, कितना जो है वो उसका बिहेवियर मॉडिफाई हुआ है, कितनी जो उसकी एजुकेशनल अचीवमेंट है, उसकी एकेडमिक जो अचीवमेंट्स हैं वो कितनी जो है वो इम्प्रूव हुई हैं, तो इसके बेसिस पे हम इजीली एनालाइज और इंटरप्रेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स के बिहेवियर को. नेक्स्ट है इवेल्युएट स्कॉलेस्टिक एंड नॉन स्कॉलेस्टिक एरियाज ऑफ स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी. मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके थ्रू हम स्कॉलेस्टिक अचीवमेंट्स को भी असेस कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, और जो नॉन स्कॉलेस्टिक अचीवमेंट है स्टूडेंट के बिहेवियर की, जो उसकी पर्सनैलिटी के अदर आस्पेक्ट्स हैं, उनको भी ईजिली हम इसके थ्रू CCE के थ्रू इवेल्युएट कर सकते हैं. नेक्स्ट है डिवेल्प हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी. इवेल्युएशन के थ्रू, CCE के थ्रू, कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूस इवेल्युएशन के थ्रू स्टूडेंट्स के अंदर सेल्फ स्टडी की हैबिट डेवलप हो जाती है. क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, हम स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एक सेशन में बीच बीच में पीरियोडिक जो एग्जाम्स हैं या टर्म पेपर्स की हमने बात करी थी कि बीच बीच में हम उसके वीकली टेस्ट लेते हैं, मंथली टेस्ट लेते हैं, या ईयरली या हाफ ईयरली टेस्ट लेते हैं, उनके बेसिस पे स्टूडेंट्स को अपनी प्रोग्रेस का पता चल जाता है, टीचर को भी स्टूडेंट की प्रोग्रेस का पता चल जाता है, उनके बेसिस पे एक स्टूडेंट जो है वो सेल्फ स्टडी की हैबिट उसके अंदर डिवेलप हो जाती है. उसको ये होता है कि उसकी जो अचीवमेंट्स है वो और ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा उनमें इंक्रीमेंट जो है वो हो और ज़्यादा इंक्रीज हो उसके एजुकेशनल अचीवमेंट्स. इसके थ्रू वो सेल्फ स्टडी करने के लिए मोटिवेट होता है, मीन्स फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू वो सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट होता है. नेक्स्ट हैबिट ऑफ लाइब्रेरी कंसल्टेशन. CCE के थ्रू, कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूस इवेल्युएशन के थ्रू स्टूडेंट्स के अंदर लाइब्रेरी कंसल्टेशन की जो हैबिट है वो भी डिवेलप होती है. स्टूडेंट को क्लासरूम में कोई टॉपिक क्लियर नहीं हुआ सपोज, या स्टूडेंट कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग, तो वो लाइब्रेरी में जाके डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स की वहाँ पे बुक्स अवेलेबल होती हैं, उनमें जाके कंसल्ट कर सकता है, अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको और ज़्यादा क्लियर वो कर सकता है. तो लाइब्रेरी कंसल्टेशन की जो हैबिट है वो भी स्टूडेंट्स के अंदर डिवेलप होती है. लाइब्रेरी स्टडी की जो हैबिट है वो भी उनके अंदर डिवेलप होती है CCE के थ्रू. अपनी अचीवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी अचीवमेंट को बढ़ाने के लिए वो लाइब्रेरी में जा करके पढ़ना स्टार्ट कर देता है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक से रिलेटेड एडिशनल नॉलेज जो है वो लेना शुरू कर देता है. नेक्स्ट हैबिट हेल्प टीचर्स टू अपडेट दियर जजमेंट. ये CCE जो है वो टीचर्स को भी हेल्प करता है अपनी जजमेंट को अपडेट करने के लिए. जजमेंट को अपडेट करना मीन्स जो कंटिन्यूसली टीचर एक स्टूडेंट को इवेल्युएट करता है उसके बेसिस पे एक टीचर जो है वो, जो सपोज टीचर ने जो फर्स्ट मंथ के अंदर एक किसी स्टूडेंट को इवेल्युएट किया, तो उसने अपनी एक जजमेंट फॉर्म कर ली उस स्टूडेंट के बारे में एक मंथली टेस्ट लेकर के. जो आगे फर्दर वो और मंथली टेस्ट लेगा या स्टूडेंट को इवेल्युएट करेगा, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन स्टूडेंट का करेगा, जैसे जैसे स्टूडेंट की इंप्रूवमेंट बढ़ती जाएगी, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होती जाएगी, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई होता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग टीचर भी जो अपनी जजमेंट है उस स्टूडेंट के रिगार्डिंग उसमें चेंज करता जाएगा, उसमें अपडेट जो है वो उसको करता जाएगा, उसमें मॉडिफिकेशन करता जाएगा. क्योंकि जैसे जैसे स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होगी, डिवेल्प होगी, उसका बिहेवियर डिवेल्प होगा, वैसे वैसे टीचर की जजमेंट भी चेंज होती जाएगी उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के प्रति. नेक्स्ट है डिवेलप द हैबिट ऑफ एडवांस्ड प्रिपरेशन. CCE के थ्रू, कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूस इवेल्युएशन के थ्रू, जो एडवांस प्रिपरेशन की एक हैबिट है वो भी डिवेल्प होती है, स्टूडेंट्स के अंदर भी डिवेल्प होती है और टीचर्स के अंदर भी डिवेल्प होती है. टीचर्स भी एडवांस में अपने टॉपिक को, अपने लेसन को प्री प्लान करके क्लासरूम में जाके स्टूडेंट को टीच करता है, जिससे कि स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा वो टॉपिक समझ में आए और उसकी जो अचीवमेंट्स हैं, उसका बिहेवियर जो है वो मॉडिफाई हो, जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे वो हमें अचीव हो, मीन्स उनको हम अचीव कर पाए. इसलिए एक टीचर जो है वो प्री प्लान करके टीचिंग को अपनी जा सकता है, अपने लेसन को जा सकता है. और एक स्टूडेंट भी जो है वो एडवांस में प्रिपरेशन कर सकता है, जो उसके एग्जाम है, मंथली एग्जाम है या ईयरली या हाफ ईयरली एग्जाम्स है, मीन्स एडवांस में ही वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देगा, ताकि उसकी जो अचीवमेंट है वो उसमें बढ़ोतरी हो, वो इंक्रीज हो, उसका जो बिहेवियर है, उसकी जो असेसमेंट है उसमें जो इजाफा हो, मीन्स इसके लिए वो एडवांस में प्रिपरेशन कर देगा. तो एडवांस में प्रिपरेशन करने की भी एक हमें जो मोटिवेशन है वो मिलती है स्टूडेंट्स को भी और टीचर को भी. नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेट बोथ कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स. CCE का जो नेक्स्ट जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, CCE के थ्रू स्टूडेंट का जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, उसका जो एकेडमिक अचीवमेंट्स है, उसका जो एकेडमिक एस्पेक्ट है, और जो नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, जो उसकी पर्सनैलिटी के अदर एस्पेक्ट्स हैं, सोशल इमोशनल या फिर मेंटल या फिर मॉरल
मॉरल एस्पेक्ट है या फिजिकल एस्पेक्ट है, इन सबको इनकॉर्पोरेट करता है सीसीई। मींस एक ही इवेल्युएशन के थ्रू स्टूडेंट की पूरी पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है, उसके कॉग्निटिव एस्पेक्ट को भी और नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट को भी असेस किया जाता है, उसके पूरे बिहेवियर को असेस किया जाता है। नेक्स्ट है डिवेलप ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड्स ग्रोथ। एक स्टूडेंट की ग्रोथ के, पर्सनैलिटी के, उसके जो सभी एस्पेक्ट्स हैं उन सब को डिवेलप करने में सीसीई जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है। कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवेल्युएशन के थ्रू हम स्टूडेंट को कंटिन्यूसली इवेल्युएट करके, कॉम्प्रिहेंसिवली उसके पर्सनैलिटी के एक एक पक्ष को इवेल्युएट करके, मूल्यांकन करके उसका, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसकी जो ग्रोथ है पूरी पर्सनैलिटी की, उसकी सारी पर्सनैलिटी को, मीन्स उसके ऑलराउंड डिवेलपमेंट हम इजीली कर सकते हैं एक स्टूडेंट का। नेक्स्ट है डिवेलप द हैबिट ऑफ रेगुलर स्टडी। सीसीई के थ्रू स्टूडेंट्स को रेगुलर स्टडी करने की भी हैबिट जो है वो उनके अंदर डिवेलप होती है, क्योंकि सीसीई का ही एक पार्ट है, इवेल्युएशन का ही एक टाइप है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसमें हम टाइम टू टाइम स्टूडेंट को इवेल्युएट करते रहते हैं। हम डेली बेसिस पे भी करते हैं, हम वीकली बेसिस पे भी करते हैं, हम मंथली बेसिस पे भी करते हैं, हम हाफ ईयरली बेसिस पे भी स्टूडेंट को इवेल्युएट करते हैं। तो इसके थ्रू स्टूडेंट के अंदर रेगुलर स्टडी की जो हैबिट है वो डिवेलप हो जाती है, स्टूडेंट जो है वो मोटिवेट होता है, या स्टूडेंट के अंदर एक जो एक मींस एनकरेज होता है वो कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ती जाए, उसके जो रिजल्ट है वो अच्छा होता जाए, दूसरे स्टूडेंट्स की तरह उसकी भी जो है वो परफॉर्मेंस इंक्रीज हो, उसके भी बिहेवियर में एक पॉजिटिव जो मॉडिफिकेशन है वो हो जाए, इसके लिए वो रेगुलर स्टडी करना स्टार्ट कर देता है थ्रू आउट द सेशन। मींस वो रेगुलर स्टडी करता रहता है, ये नहीं कि लास्ट में एनुअल एग्जाम्स अगर हम लेते हैं सिर्फ स्टूडेंट के कि वो लास्ट में जाके ही स्टडी करेगा, वो रेगुलर स्टडी की एक हैबिट उसके अंदर डिवेलप हो जाती है सीसीई के थ्रू। तो ये था कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवेल्युएशन का सिग्निफिकेंस, मींस टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है, जो सभी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो है वो इसका क्या सिग्निफिकेंस है सीसीई का, स्टूडेंट के बिहेवियर को मॉडिफाई करने में स्टूडेंट एक सीसीई का क्या सिग्निफिकेंस है, अपने आज के लेक्चर में हमने इस चीज को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग सीसीई का, कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूस इवेल्युएशन का क्या सिग्निफिकेंस होता है, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक में सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या सिग्निफिकेंस होता है इसका। आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।